दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास यूनिकॉर्न है, ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी थी। ये भाई है उनका कस्टमर, ये भाई की गाड़ी तो रास्ते में बंद पड़ी थी। मैं वो गाड़ी लेके गया था स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये गाड़ी में न्यूट्रल लाइट वगैरह कुछ आ नहीं रहा था। यहाँ पे दिखा दो, ये न्यूट्रल लाइट वगैरह आ नहीं रहा था। अभी न्यूट्रल लाइट आ गया है और गाड़ी भी चालू हो गया, लेकिन चाबी से बंद नहीं होगा। मैंने इस गाड़ी को डायरेक्ट करके लेके आया, अभी रास्ते में कुछ तो था नहीं, अभी ये गाड़ी मैंने बंद किया, ठीक है। और ये गाड़ी लेके गया था तो उसी का सिग्नल लाइट तोड़ के और मैंने वायर लिया, और यहाँ से दिखा दो, यहाँ से रिले में से लेके, जब टेप भी नहीं था तो इसे मैं बांध के लेके आया, भला ये हो जावे, तो यहाँ से वायर निकाल के सिग्नल लाइट का और डायरेक्ट CTI के अंदर दे दिया। अगर ये वायर निकालता हूँ तो गाड़ी चालू नहीं होगी, ठीक है, और लाइट भी ऊपर चला जाएगा। अब ये सब लाइट चला गया, बैटरी का कनेक्शन है डायरेक्ट। अभी यहाँ पे गाड़ी चालू करूंगा, चालू नहीं होगा, न्यूट्रल लाइट भी चालू नहीं होगा। अब ये गाड़ी भी चालू नहीं होगा और ये लाइट भी चालू नहीं होगा, लेकिन वो वायर वहां पे दिया था उसके लिए डायरेक्ट चालू हो गया। तो मैं बोला कि एक छोटा सा वीडियो हो जाएगा आप लोग का भी, कभी रास्ते में अगर ऐसा गाड़ी फंसती है तो कौन से हिसाब से लेके आने का। कभी यहाँ पे दिखा दूं, ये चाबी बंद है, उधर चाबी बंद है और यहाँ पे अर्थिंग दिया तो इसमें करंट आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट रिले के वायर में से लेके और CTI के अंदर जो ब्लैक पे रेड आता है उस वायर के अंदर डाल दिया तो गाड़ी चालू हो गई थी। तो अभी फिलहाल इस वायर को मैं निकाल लेता हूँ और फिर देखते कहाँ से फोड़ लेता। मैंने सोचा एक वीडियो बन जावे, कभी ऐसा केस आप लोग के पास भी आएगा तो आप लोग भी इजी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिखा दो, ये इसका फ्यूज होता है, ये फ्यूज ओके है, मैंने देख लिया, एक फ्यूज ये होता है, ठीक है। कभी भी इसको चेक करने का है, चाबी तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग लगता है हो सकता है कि बल्ब भी उड़ा हो, एक यहाँ पे वायर डालने का और यहाँ पे लगाने का, ये बल्ब नहीं जल रहा है, दूसरे पॉइंट पे भी लगा दिया, ये बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब ये ऊपर से तकलीफ है। कभी खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो मैंने इसके हेडलाइट को ओपन कर लिया, ये चाबी स्विच का वायर होता है, ठीक है, तो ये निकाल लिया, चाबी वाला वायर है, इसके अंदर एक वायर को डालने का, एक वायर में डायरेक्ट वहाँ रिले से करंट आता है बैटरी का, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, ये नहीं जल रहा है, ठीक है। दूसरे वायर में यहाँ पे मैंने डाला, एक ही वायर में करंट आएगा, चाबी ऑन करने के बाद दूसरे में जाएगा, यहाँ पे ये भी नहीं जल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से और वहाँ तक के वायर टूटा हो। तो पहले यहाँ से निकालते हैं इसको, देखो दोस्तों ये वायर यहीं से टूटा हुआ है, हालांकि ये लगा ऐसा तो अपने को लगेगा नहीं कि टूटा हुआ है, ये वायर ही टूटा हुआ है। तभी इसको पहला छिलते हैं, देखते हैं, पहले की गाड़ी में जो बैटरी आता था वो एसिड वाला बैटरी आता था, पानी वाला, पहले बैटरी के अंदर एसिड आता था तो एसिड का मात्रा लग के ज्यादा वायर डैमेज होता था। ये बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए वीडियो हो जाएगा। अभी ये वायर को यहाँ पे मैं लिया और यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये डायरेक्ट करंट आ रहा है, चाबी ऑफ रहेगा तो भी, क्योंकि डायरेक्ट रिले से आया हुआ वायर। अब ये वायर को पहले ज्वाइंट करता हूँ और ज्वाइंट करके दिखाता हूँ, दोस्तों ये वायर को मैंने इसमें से ज्वाइंट कर लिया और ज्वाइंट करके इसके अंदर डालता हूँ। अभी मेरे पास कोई कपलर अगर मिल जाएगा तो मैं पूरा ही भर्ती कर दूंगा उसको, क्योंकि इसके अंदर डालूंगा तो ये लोखंड है, उसमें शॉर्ट होने का भी डर रहेगा, तो उसके लिए अभी वहाँ से नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने फिटिंग किया और यहाँ पर दिखा दूँ, अब ये चाबी काम करना चालू हो गया और गाड़ी इससे बंद भी होगा। लेकिन कभी भी अगर रास्ते में ऐसा आप लोगों को होता है तो आप लोगों को भी CTI के अंदर डायरेक्ट वहाँ से रिले में से लेकर डाल देने का। अब यहाँ पे दिखा दो,
दोस्तों ये इसका फ्यूज बॉक्स है। पहले यहाँ पे करंट चेक के यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा था, अभी इस वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे अर्थिंग दे रहा हूँ। चाबी को ऑन करो दोस्तों, ये यहाँ पे करंट नहीं आ रहा था पहले, अभी चाबी को ऑन कर ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ करो, हाँ ऑन करो। ये यहाँ पे करंट नहीं था, ये करंट आ गया तो मेन फ्यूज ये होता है यहाँ से, ये चाबी स्विच के अंदर से जो वायर है वो डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से निकल के और एक काले वायर में कन्वर्ट होकर सब जगह जाता है, और दूसरा इसके अंदर सीटीआई का वायर यहीं से निकला हुआ है जो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया था। कभी भी अगर ऐसा आप लोग रहे तो इस स्टेप में चेक कर लेंगे, रास्ते में भी गाड़ी बंद पड़ा तो उस हिसाब से भी आप लोग काम चला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।